एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ शुरू शाम के 6:30 बजे के, अभी 6:31 हो रहे हैं। और आज का ब्लॉग है ऐसे कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। इवन मैं सबसे पूछ रही हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो कह रहे हैं बस चलो चलो चलो। और सस्पेंस में मैं जलंधर क्रॉस कर गई हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मुझे खुद नहीं आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आगे अमृतसर भी है और आगे जम्मू भी आ रहा है, इसी रोड से आगे जम्मू भी आ जाता है, मतलब बहुत सारे रूट हैं आगे। तो कह रहे हैं, मैंने कहा अभी तो 1 घंटा लगेगा अमृतसर पहुँचने में, कहते हैं 4-5 घंटे का ट्रैवल। ये तो मुझे अब एक क्लोन सी लग रही है, इन लोगों की पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन जो भी है, ये सरप्राइज एक ट्रिप है, मेरा कोई इवेंट नहीं है, जस्ट ये सरप्राइज ट्रिप है। और चलते हैं अभी आगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे भी रहेगा। अब बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, क्योंकि रात का है तो अभी कुछ ज़्यादा बना नहीं पाऊंगे, तो शायद 2 दिन का एक ही दिन में ब्लॉग आ जाए, पता है 2 दिन दो दिन एक ब्लॉग में करूंगी मैं सारा। तो अभी देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे भैया ये इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे अपनी जो रेसिपी है इनकी फ़िश की, उन्होंने पूरी डिटेल में बताई कि हम क्या मसाले डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या चीज़ डालते हैं। बस कुछ नहीं, मेरी गोल बाली ऐसी है, मैं क्या करूँ, मुझे देखो ये बंदे, मतलब इन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ भी मुझे बता दी कि ये देखो ये मसाले ही डालते हैं, कैसे डालते हैं। आपको जो इसका मैजिक है ना, जो इसको स्मेल लीजिए थोड़ा सा, अभी इसको अपनी जुबान पे रखिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज होता है। आप देख लें, आपको समझ लगी ना फिश का टेस्ट भी कैसे आ रहा है। ये 2 घंटे आपके जुबान से नहीं जाएगा, और आम मसाला आप बनाए या चार मसाला बाजार से लेके आए, MDH वगैरह एवरेस्ट का, वो आपको अगर पड़ता ना 200-250-300 रुपए किलो, ये 7-800 रुपए किलो पड़ता है। हाँ जी, बना कोई बदल का की बना पंडित जी, आप तवा चिकन पैक करना जी। इनके जितने भी इसके अंदर मसाले, लोग बोलते हैं सीक्रेट, ये वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट उसकी रेशो, बाकी सीक्रेट होता है नॉलेज। आपको शायद
बीइंग अ लेडी आपको भी नहीं पता होगा कि काली मिर्च जो है वो दो या तीन तरह की होती है। मुझे किचन में नहीं पता क्या होता है। काली मिर्ची जो दो तरह की जो होती है ना, जो आम चलती है, एक होती है बिल्कुल अंदर से काली खोखली, एक होती है जिसको बोलते हैं डबल एटम, उसके अंदर सफेद रंग की गिरी होती है, उसका और आम काली मिर्च का भी रेड का डबल का वैसे ही आमचूर का होता है। इसमें अमचूर पड़ा लेकिन सबसे बड़ी आमचूर तो मार्केट में सबसे बड़ी आमचूर होगा जिसको हम माकड़ी बोलते हैं, रॉ मटीरियल रो जो आमचूर होगा सबसे बढ़िया क्वालिटी का, और ये खुद लेके कुछ दिन को मिक्स करके फिर इनको पिसवाते हैं। आप करवा सकते हैं वैसे फिश सर? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप मुझे लेके आए यहाँ पे खाना खिलाने के लिए स्पेशली, भैया ने मुझे बोला कि हांची यहाँ पे बहुत अच्छा खाना, तो यही लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। I don't know, I lost count and my sense.
यहाँ पे गोल्डन टेंपल पे मैंने मत्था टेका सबसे ऊपर जा कर के, और यहाँ इसके बाद मेरी हुई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे मैं कम से कम 2 या 3 घंटे खड़ी हुई थी और मेरी सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसके बाद। बस यही डिसाइड किया अब कि फटाफट से वापस चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो रास्ते में मैंने सबसे पहले दवाई ली। मेरी तबीयत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो, देख रही मैंने रास्ते में ना दवाई ली चंडीगढ़ से, जब चंडीगढ़ में भी ली थी मैंने दवाई वैसे तो, बट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, तो अभी फीवर तेज़ हो गया तो मैंने अभी यहाँ रास्ते में जाते जाते दवाई ले ली अमृतसर में, तो मैं यहीं पर खा लूँगी फिर मैं सो जाऊँगी और फिर देखते हैं क्या होती है। मेरे को तो लग रहा है तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। और एक चीज़ और भी लग रही है कि पता चले यहाँ भारत में जो आए दोबारा से कोविड का, वो मैं ही लेके आऊँ यहाँ पे, मैं इधर ही जगह घूम ली। वैसे मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मतलब 2-3 दिन हो गए मुझे गला भी दर्द है कफ बहुत ज़्यादा है और सर दर्द भी है बहुत तेज़, तो फिर दवाई ले ही लेनी चाहिए। और बाकी मज़ा आया मुझे अमृतसर का ये टूर लेके, मतलब ये मेरे लिए एक सरप्राइज ट्रिप था मेरे दोस्तों की तरफ से, थैंक यू सो मच सबका। और तो फिर ब्लॉग में ले लूँगी फिर, मत कहिए ले लिया। और उसके बाद यार मेरे को सारे ये कहते हैं मना करते हैं कि हमें नहीं आना ब्लॉग में, तो जितनी बार भी मैं जाती हूँ इन लोगों के मतलब कैमरे पकड़ लेंगे मेरे, फ़ोन पकड़ लेंगे, लेकिन ब्लॉग में नहीं आएंगे कभी। एक आधी झलक तो मैं फिर भी ले ही लेती हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ मैं कैमरा घुमा रही हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ मैं। चलो अभी मैं दवाई खा लेती हूँ फिर देखते हैं। पर डायलॉग मारते हैं कि इसकी शक्ल बहुत शरीफ है इसकी, मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मुझे सारे ही कहते हैं अरे बहुत तेज़ है वो, बहुत तेज़ है पहाड़न हिमाचलन बहुत तेज़ होती है भाई, होते हैं क्या करें, तुम्हारे घर का खा रहे हैं कुछ। चलो निकलो बोलना, जिसको जो बोलना वो बोले, अब जो एक बोलेगा 4 सुनेगा, 4 बोलेगा 10 सुनेगा, तो निकलो चलते बनो अपने अपने घरों पर। चलो यहाँ घर जाते जाते मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं घर पहुँचती हूँ उसके बाद सीधा हम निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल पहुँच के मेरी हालत होती है कुछ इस तरह से। तो इस ब्लॉग को करते ही पे एंड।